आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इफ के क्वेश्चन, टेक्स्ट फॉर्मूला के क्वेश्चंस, राइट। हम आपको क्वेश्चन की कुछ लिस्ट भेजे थे और इस लिस्ट में हमने आपको भेजा था क्वेश्चन नंबर फोर था रैप्ड फॉर्मूला, कि रैप्ड फॉर्मूला का क्या यूज है। रिपीट फॉर्मूला मतलब कि अगर हमने रिपीट फॉर्मूला लेफ्ट में लगाया बी सेवन और हमने बोला फोर, तो ए को फोर टाइम रिपीट कर देगा। अगर हमने बोला एट तो इसको एट टाइम रिपीट कर देगा। ये तो फॉर्मूला की प्रॉपर्टी रही। अब हम बात करते हैं कि इसका ऑफिशियल यूज क्या है, क्योंकि अगर देख रहे हैं तो देखने से इस फॉर्मूला का कोई यूज नहीं लग रहा है। लेकिन जैसा कि मैं बताता हूं कि एक्सेल में कोई भी चीज बनता है उसका हर एक चीज का कुछ ना कुछ यूज तो होता ही है। सो, इसका भी यूज होगा। तो मैं कैसे यूज करूंगा, मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो मैं ऑफिस में इसको इस तरह से कुछ यूज करता था। तो उसके लिए आपको जानना होगा, एक मिनट में यहां पर एक बार नेम और यहां पर सेल्स दे देता हूं। बेसिकली क्या था कि हम बात थी 2003 की, मतलब कि जब हमारा ऑफिस 2003 था, मैं 2003 नहीं, ऑफिस 2003 पे जब हम काम करते थे तो हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मात्र तीन कंडीशन लगाना होता था। बहुत पुराने दिन है, अब याद आ रहे हैं, तीन कंडीशन लगाना होता था। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था, इसका क्या बोलते हैं, डेटा बार का, राइट सर। तो अब कैसे करें, तो हम लोग कैसे करते थे उसमें, हम रैप्ड फॉर्मूला यूज करते थे। तो कैसे यूज करते थे देख लीजिए, हम लगाते थे फॉर्मूला रैप्ड, और रैप्ड में ये सिंबल होता है, इसको लेते थे और इसको सिलेक्ट करते थे। इस तरह से रिपीट हो गया। अब इसके ऊपर हम ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट लगाते, लेकिन काफी बड़ा बन गया। तो हम लोग इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं कुछ नंबर से, मैंने कर दिया 5 से, छोटा हो गया सर। अब आप बोलेंगे 2003 की बात थी, पुरानी बात थी, अब क्या जरूरत है इसकी, अब हम इसको यूज कर लेंगे ना क्या। इसमें क्या है कि दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम कि ये जो आपने लगाया है एक फॉर्मेट है, मतलब इसको कहीं कॉल नहीं किया जा सकता। जैसे आपने इसको लगा दिया, मैंने बार बार लगा दिया, तो मैं इसको कहीं पे इस तरह से कॉल नहीं कर सकता, सिर्फ नंबर कॉल होगा, इसकी फॉर्मेट कॉल नहीं होगा, फॉर्मेटिंग दोबारा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको कॉल कर सकते हैं, लुकअप वगैरह में इसको कॉल कर सकते हैं, बस इसके ऊपर अपना ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट अप्लाई करना होगा, कॉल हो सकता है ना सर। वी लुकअप, एच लुकअप जैसे चीजों में हम इसको कॉल कर सकते हैं, राइट। दूसरा, ये जो आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा, तो एक जहां डेटा है उसी के पास में लगा। मुझे डेटा से पहले या डेटा के बाद में लगाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगाएगा, ठीक है सर। अभी भी इसका यूज हम लोग करते हैं, जी हाँ, इसका यूज अभी भी हम लोग करते हैं। इसको फॉर्मूला लेआउट में जाता हूं और इसको मैं कर देता हूं यहां से मैं क्या हो गया, इसे घूम के रहा हूं मैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है सर। और इसमें फॉर्म अलग अलग कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि इसका कलर, ये जो 85 है, 85 अगर ग्रेटर देन 95 हुआ है, ए ग्रेटर देन, ए से बोल दीजिएगा,
बोले पंखा फिर से बंद कीजिए, वोल्टेज बहुत है। जैसे कि कंडीशन लगाना है कि ग्रेटर देन 50 पे ग्रीन और बाकी पे रेड हो जाए, तो यहां हम कंडीशन वर्डिंग के न्यू रूल्स में जाएंगे, यूज फॉर्मूला पे जाएंगे और यहां हम देंगे कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो यहां पे हम ग्रीन दे देंगे, ठीक है, और इस 12 को हटा देते हैं, दोनों साइड में हटा देते 12 का। सॉरी छोटी सी गलती हो गई, हमने बैकग्राउंड कलर लगा, इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं लगता है, इसमें लगता है फॉन्ट। इस तरह की चीजें हम कंडीशन मॉडलिंग में नहीं कर सकते हैं सर, समझ आ रहा क्या जी? हेलो जी, समझ में आया? न्यू रूल पे जाते हैं, यूज फॉर्मूला, और हमने इसको आपका सर सॉरी सर म्यूट था। तो इस तरह की चीजें जो है हम नहीं कर पाते हैं इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग। जैसे ही कंडीशन लगाना है रेड हो जाए ग्रीन हो जाए, ये तो हम कर सकते हैं ना अपने कंडीशन वर्डिंग पे, उतना नहीं कर सकते, पर यहाँ पे एग्जैक्ट आप देखिए हमने कर लिया। ओके बनाया सर, अच्छा किसी को डाउट है इस पे? जयप्रकाश जी, मनीष जी, राहुल जी, राकेश जी? नहीं सर। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, मैंने कैसे बताया आप बस आपने देखा, अब इससे आप मुझे दो एग्जांपल और बना के दीजिए, जरा ये 5-10 नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, दो एग्जांपल मुझे और बना के दीजिए। ओके सर,